ना कोई बैंड बाजा ना कोई बराती, क्योंकि आ गया है काजा। तो हम पहुंच चुके हैं काजा, सामने है गेट हमारा वेट करते हुए। तो हम कार में आ चुके हैं वापस मॉनेस्ट्री घूम के। बहुत ही अच्छी मॉनेस्ट्री थी, मैंने तो ऐसी मॉनेस्ट्री पहली बार देखी है, जो कि मतलब एक अजूबा ही कह सकते हो कि 1000 BC की मॉनेस्ट्री और मिट्टी की बनी हुई, जो पत्थर की बनी हुई जो आज तक टिकी है। और पानी आता है, स्नोफॉल आती है, तब भी वो उसको कुछ नहीं होता, लोग भी अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। बाकी अभी निकलते हैं यहाँ से और काजा के रास्ते पर हम अभी बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं, जैसे कल आए थे उससे तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये 300 मीटर हाइट पे है जहाँ हम अभी हैं। उससे अंदर आएंगे तो ताबो में एंट्री होती है, यहाँ से राइट जाएंगे तो नाको और लेफ्ट जाएंगे तो काजा। अभी यहाँ पे एक ताबो का ब्रिज भी आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ चुका है ताबो ब्रिज जिसको हम क्रॉस करेंगे, ये भी आयरन ब्रिज है। जस्ट अभी निकले हैं और 2-3 मिनट बाद ये ब्रिज आ गया है, तो यहाँ से चलेंगे और ये रास्ता सीधा काजा की तरफ जा रहा है। और आप नीचे देख सकते हो, इस टाइम तो पानी का फ्लो कम है बट नीचे रिवर है, देख रहे हो, और उसके ऊपर ये लोहे का ब्रिज बना हुआ है। तो हमने कल रात को स्टे किया था ताबो में और मुझे नहीं लगता कि हमने कोई गलती करी, क्योंकि रात को ऐसी रोडों पे ट्रैवल करना सेफ नहीं है। ताबो के बाद आप रोड देख सकते हो कि पूरा का पूरा ही ऑरेंज अलर्ट कर रखा है, इसका रीज़न भी है, देखो कितने कच्चे पहाड़ हैं। और यहाँ बारिश हो रही थी कल, तो आई थिंक हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि हमें ताबो में रुक गए, चाहे वो मॉनेस्ट्री की वजह से था। आप रोड देखो कितना नहरो हो चुका है, वैसे रोड साफ़ है बट कभी भी कुछ भी यहाँ पे देखो कितने पत्थर यहाँ पे गिर सकते हैं, कभी भी देखो सारे ऐसे स्लांटिंग वे में पहाड़ हैं यहाँ पे, कि कुछ गिरा तो यहाँ ऊपर रुक नहीं सकता, कोई भी चीज़ उसे होल्ड नहीं कर सकती, वो नीचे ही आएगा। ये देखो यार, हम यहाँ से जा रहे थे, आपको अगर नज़र आ रहा हो वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा कुछ बना हुआ है, मतलब वो तो नहीं है बट वैसे ही शेप में कुछ बना हुआ है। ये देखो कहाँ तक जा रही है वो, हाँ यार थोड़ा थोड़ा मैच हो रही थी। तो यार ये देखो ये बोर्ड है, ये काजा के लिए जा रहा है और इधर जा रहा है नादांग के लिए। नादांग एक जगह है जहाँ पे मोनेस्ट्री है, और लेकिन हमें जाना है काजा की तरफ, तो हम निकलते हैं काजा। लुक एट द व्यू, जस्ट लुक एट द व्यू, ये पहाड़ बोलूँ या पिरामिड बोलूँ या क्या बोलूँ इसको, ये देखो आप, ये नदी है, ये पहाड़ है, और कितने बड़े पहाड़ हैं वो देखो आप। काजा के रास्ते में थ्रिल और एडवेंचर अमेजिंग है, अमेजिंग। ये देखो यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से नीचे रिवर है, प्लेन एरिया, और मेरे पीछे देखो आप एक बार, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और पहाड़ देखो, और पहाड़ भी ऐसे नहीं है, मतलब बहुत अमेजिंग। आप एक बार क्लोज लुक देखो इसका, ये देखो यार शेप देखो इसकी, मतलब लिटरली पिरामिड जैसी लग रही है, जैसे किसी ने कोई फिल्म का सेट होता ना, देखो जैसे पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई शूटिंग चल रही हो वहाँ पे। डिज़ाइन देखो आप एक बार, कोई सीनिक, मतलब इसको सीनिक ब्यूटी ही कहूँगा, आप और क्या कहोगे यार। देखो ऐसा लग रहा है किसी ने बस कोई पोर्ट्रेट इमेज खींच के यहाँ रख दिया बस। तो व्यू तो बहुत अच्छे अच्छे देखे यार हमने, बट अभी तक का हमारे अकॉर्डिंग है ना भाई, तो विनर तो भाई ग्यू विलेज ही है। ग्यू विलेज में जो मतलब एक व्यू था ना, वो ऐसा व्यू मैंने सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा था। यार क्या रास्ता बना रखा है यार, सीरियसली क्या रास्ता बना रखा है, मतलब मज़ा ही आ गया देख के। पूरा लद्दाख यार, मतलब क्या बोलूँ से यार, स्वागत है आपका लद्दाख में। सच में यार, वेलकम टू लद्दाख। अगर मैं स्मृति ना डालूँ लद्दाख डालूँ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है ये। खूबसूरती नेचर की है, हैंडमेड तो हैंडमेड ही रहता है। सही बात है, ये भगवान की देन है जो देखने को मिल रही है। मतलब लैंडस्लाइड का डर है, लेकिन फिर भी वही वाली बात है कि जो प्रकृति की देन है ना, और जो यहाँ पे ब्यूटी है, वो कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दुर्जे। दुर्जे, और आपका नाम? सोनम। कौन सी जगह है ये? माने। माने, माने। यहाँ से काजा कितने दूर है? यहाँ से काजा होगा तकरीबन 30 किलोमीटर। स्नोफॉल हो रहा उधर? नहीं अभी तो नहीं हो रहा। ऊपर हिक्की वगैरह में? हाँ,
ऊपर हो रहा है, किब्बर में चीचम वगैरह में। तो बर्फ मिल सकती है अभी कहीं? बर्फ तो मिल जाएगा आपको यहाँ से ऊपर लोसर साइड में मिल जाएगा। लोसर साइड में कल जाएंगे ना हम लोसर को। तो यार ये भैया मिले हैं यहाँ पे काम करते हैं, ये लैंडस्लाइड वगैरह का सब यही देखते हैं इनके अंडर में। हाँ बीआरओ, ये बीआरओ के अंडर में काम करते हैं जो कि यहाँ के रोड्स वगैरह बनाते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो हमने यहाँ पीछे गाड़ी रोकी है, आप देख रहे हो इसी रोड से जा रहे थे हम, जो हमने दिखाया आपको लैंडस्लाइड जोन, लैंडस्लाइड जोन है। तो हमने आ रहे, रुकने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमें यहाँ पे ये ब्रिज दिखाई दिया है। एक्चुअली ये ब्रिज हमें पहले भी दिखाई दिया था बट वो बीच से ना उसके जो वो टूटे हुए थे वुड वाले, तो हम वहाँ जा नहीं पाए थे। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं कि इस ब्रिज पे जाएं और फोटोज़ क्लिक कराएं। जैसे मैंने आपको बताया सारी की सारी फोटोज़ डल जाएंगी इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। वहाँ चलते हैं और ब्रिज पे फोटोज़ खिंचाते हैं। तो जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा स्किट वाला है, तो आराम से जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने ट्रैकिंग शूज़ तो नहीं पहने हैं, ये देखो आप। पर ठीक है, मैनेजेबल है अभी तक, ओके यहाँ से ठीक है। हम ब्रिज पहुँच चुके हैं, अमेजिंग। ये देखो आप, वुड का बना हुआ है पूरा का पूरा, क्या व्यू है यार। आप ये देखो, मतलब पुराना बना हुआ है। अच्छा बहुत रिस्की है ये, देखो आप लकड़ियाँ जोड़ जोड़ के बनाया हुआ है, काफ़ी पुराना ब्रिज है ये, तो बहुत आराम से पैर रख के चलना पड़ेगा। दिल भी रहा है बहुत ज़्यादा, मैं डर भी लग रहा है। तो मैं आपको एक बार सेंटर में जाके दिखाता हूँ। हाँ माउंटेन व्यू हमने फोटोज क्लिक करा ली है बहुत ज्यादा। मेरे पीछे देखो बट ये बाज नहीं आएंगे, इनको अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम की रील्स के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, स्लो मोशन वगैरह बना रहे हैं। तो पुल बहुत ज़्यादा हिल रहा है अभी, ज़्यादा देर नहीं खड़े होंगे, बस थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। तो अगर आपका यहाँ से रूट बन रहा है जो कि ये वाला रूट होगा आपका, यहाँ से जो हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ से, तो यार मैं यही बोलूँगा कि इस पुल पर रुक के जाना। देखो वो खड़े हैं यहाँ पे, शूट चल रहा है, आप इमेजिन लगा इमेजिन कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कितनी अच्छी फोटोज आएंगी यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा केयरफुल ही रहना क्योंकि थोड़ा सा हिल रहा है ज़्यादा, मतलब इतना उछलना उछलना चलना कुछ करना, इसलिए बहुत पुराना पुल है यार ये। हम अपनी कार में वापस आ चुके हैं, आते ही हमने सबसे पहले पानी पिया है क्योंकि होंठ भी एकदम, लिप्स भी एकदम ड्राई हो गए हमारे, बॉडी एक्युमुलेटाइज तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा स्टेमिना प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी तो बहुत है। वैसे नहीं है बट अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो बहुत जल्दी आपकी एनर्जी ख़त्म होती है, ड्रेन आउट होते हो आप, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं काजा वाले रोड के बीच में, यहाँ बारिश हो गई है, बिन बादल बरसात वही है। ये देखो ये बोर्ड है यहाँ पे, बॉर्डर घंका की तरफ है, आई मीन ये देखो वेलकम टू धनकर गोम्पा, यहाँ पे मॉनेस्ट्री है। पर हम जा नहीं रहे हैं, जा रहे हैं हम यहाँ पे है ना, तो शिचलिंग डंकर ये है मतलब। अच्छा तो हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे भी मॉनेस्ट्री है, हम सीधा जाएंगे काजा की तरफ क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी मॉनेस्ट्री कवर कर ली है। बट आप यहाँ से आओ तो आपकी मॉनेस्ट्री बीच में देखेगी, अलग से रास्ता जा रहा है, आप जा सकते हो, अच्छी है, हमने फोटोज़ में देखी है। बाकी अभी देखो यार बिन बादल बरसात हो रही है, वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट क्या है ये, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है और कुछ नहीं है, चीकू गोट ब्रीड वेलकम्स यू होगा कुछ। तो गाइस थोड़ी सी ऑफ रोडिंग हो जाए, मज़ा आने वाला है ऑफ रोडिंग में। हमें ये दिखाई दिया था रास्ते में थोड़ा ऑफ रोडिंग के लिए, सिनेमेटिक शॉट्स के लिए, जहाँ पे हल्की सी रोड है और पानी का, तो यहाँ पे हम गाड़ी को उतार रहे हैं, आप देख सकते हो। ऑफरोडिंग हो गई बहुत, अब चलते हैं ऊपर। भाई क्या व्यू है यार। तो हम निकल चुके थे काजा के लिए, अभी आपने देखे होंगे सिनेमैटिक शॉट्स कार के, हमने ऑफरोडिंग के लिए नीचे उतारी थी
जहाँ पे रोड नहीं था, पूरी ऑफ रोडिंग थी। हमने सोचा थोड़ा सा कुछ एडवेंचर हो जाएगा, इसलिए आगे जा रहे थे तो देखो हमें क्या दिखाई दिया, ये ब्रिज है इससे हमें जाना है, ये देखो ये रिवर है, इतना बड़ा फॉल, इतना बड़ा। सर्दियों में पूरा जमा होता है, फ्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जितना आप देख रहे हो ना, ये जो ऐसी पहाड़ है पत्थर के और मिट्टी के पहाड़ है, इसके पूरे के पूरे के ऊपर बर्फ़ की चादर होती है। तो ये जो फॉल है ना, इट्स अमेजिंग यार, मतलब इतना बड़ा फॉल है, शायद आपको दिख ना रहा हो इसमें अभी, बट बहुत अमेजिंग लग रहा है इस टाइम पे, और पूरा वाइट दूध जैसा यार। वैसे हम लेट हो रहे हैं काजा के लिए, ये देखो हमें यहाँ जाना है, यहाँ से हम आ रहे हैं, ऑलरेडी हम अपने टाइम से लेट चल रहे हैं, बट ये व्यू ऐसा था कि इसको दिखाई बिना मैं रह नहीं सकता था, तो इसलिए मैं स्पेशली कार रोकी है यहाँ पे हमने, और मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। तो एक अच्छी न्यूज़ भी है इसके साथ साथ कि अभी बारिश बंद हो गई है, जो थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी वो बंद हो चुकी है, और धूप आ चुकी है, ये देखो अभी धूप आ रही है, तो इसका मतलब वेदर ठीक है, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड एरिया है। अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल ही पूरी धूप आ चुकी है इस टाइम पे, बहुत अच्छी। तो निकलते हैं यहाँ से, ये स्पॉट भी मिल गया काजा का, जिसके साथ मुझे फ़ोटो खिंचानी थी। आप एक बार व्यू चेकआउट करें यार, मतलब यार क्या बोलूँगा, व्यू तो मतलब जितनी बार भी रोक के दिखाऊँ उतनी बार कम है, क्योंकि हर 5 मिनट में व्यू चेंज हो रहा है। मेरे पीछे देखो आप, जैसे लद्दाख का सीन था ना वो 3 इडियट्स का, मतलब मुझे एग्जैक्टली वही लग रहा है कि देखो यहाँ से, ये देखो पीछे धूप आ रही है, यहाँ पे देखो आप बर्फ़ वाले पहाड़ हैं, नीचे रिवर है यहाँ पे। तो हर कैटेगरी के यहाँ पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, मतलब आप बोर ही नहीं हो सकते। आई नो ये 800-900 किलोमीटर का स्पीति का जो एक जर्नी है, डेस्टिनेशन हमने जो बनाया है, बट ये है कि आप बोर नहीं हो सकते यहाँ पे, हर 5 मिनट के बाद रास्ता चेंज होता है यहाँ पे, तो बीच में 10-5 मिनट के लिए रोक ही सकते हैं कि बहुत देर से चला रहे हैं। हमें 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन, और हम अभी तक काजा नहीं पहुँचे हैं। तो कैन यू इमेजिन, मतलब हर दिन हम आ रहे हैं गाड़ी, बहुत बड़ी बात है, खाना भी मैगी खुद ही बना रहे हैं। तो हर किसी का सपना होता है रोड ट्रिप पे जाना, बट हर कोई कर नहीं पाता है। तो अगर आप कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना यार, और अगर आप नहीं जा सकते हो तो भी इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है, इस वीडियो के थ्रू आप एंजॉय कर सकते हो। मैं आई प्रॉमिस मैं आपको सारे व्यूज़ दिखाऊंगा, जितना भी जहां तक भी जाऊंगा एंड तक कुछ मिस नहीं करूंगा, हर पॉइंट पे चाहे मुझे पहुंचने में 5 घंटे लगते हों 8 घंटे लग जाएँ, मैं आपको सारा दिखाता हुआ जाऊँगा, कुछ मिस नहीं कराऊँगा। तो ये काजा की तरफ, अभी काजा यहाँ से 10 किलोमीटर और है, और इसके बीच में हमने ऐसी साइड में कार पार्क करी है, आप देख सकते हो। तो अभी हम आए हैं फोटोशूट करा के नीचे से यहाँ पे, और देखो भाई का स्टैमिना ढलबला गया, डगमगा के गया है। अब सही हो भाई सब? ओह मजा आ गया भाई, लेकिन फोटोज अच्छी आई हैं। ये क्या है? ये कोई फ्रूट लग रहा है, देखो देखते हैं खा के थोड़ी देर बाद। खाना नहीं है सही, पता नहीं क्या हो ये। इन पेड़ों में से निकला है ये जो पेड़ है, ये पता नहीं क्या है, देखते हैं खा के। इसमें तो बीज है इसमें। तो गाइस बात इस तरीके की है, ना कोई बैंड बाजा ना कोई बराती, क्योंकि आ गया है काजा। तो हम पहुंच चुके हैं काजा, सामने है गेट हमारा वेट करते हुए। एट लास्ट, जितनी भी ड्राइव करी सब कुछ वर्थ है यहाँ पहुंचने का, अभी तक के नज़ारे मज़े आ गए हैं। और अब देखो बस ये काजा के अंदर एंट्री हो गई। हिप हिप हुर्रे। हम पहुंच चुके हैं काजा, और हमने एक प्रॉपर्टी देखी है, जोस्टल, या इसका नाम है जोस्टल। तो हम इसके अंदर जा रहे हैं, थोड़ा प्राइस वगैरह पता करेंगे कितने का पड़ रहा है हमें। एक्चुअली ये डोमेट्री टाइप का है, डोमेट्री ही है, पर बेड के हिसाब से चार्जेस हैं यहाँ पे। तो एक बार अंदर चलते हैं, बात करके पूछते हैं कि कैसा है, कितने का मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत आ रखी हैं। आप देखो, मुझे लगा था शायद यहाँ पर कम भीड़ होगी, पर देखो आप गाड़ियाँ बहुत आ रखी हैं, मोस्टली हिमाचल प्रदेश से ही हैं सारी की सारी गाड़ियाँ, तो ऐसा कोई बाहर की स्टेट की नहीं आ रखी है। ये है जोस्टल प्रॉपर्टी, और अभी धूप है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लग रही है, डिसेंट सी,
और एक बार चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। तो गाइस हम काजा में जोसल को छोड़ दिया था क्योंकि जोसल फुल था, उससे थोड़ा आगे आए तो हमने सोचा हम यहाँ पे होमस्टे वगैरह देखेंगे। तो दो तीन होमस्टे देखे हमने यहाँ पे, बट सबसे पहले हमने यहाँ से डीजल भी भराया क्योंकि हमें डीजल वैसे भी भराना था। बट एक अमेजिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो पेट्रोल पम्प है वर्ल्ड हाइएस्ट रिटेल आउटलेट, मतलब कि वर्ल्ड के हाइएस्ट एक पीक पे जो बना हुआ है पेट्रोल पम्प, इससे ऊंची ऊंचाई पे कोई पेट्रोल पम्प नहीं है। आप देख लो ये वाला, ये आपका जो है ये इंडियन ऑयल का है, ये देखो आप। तो ये स्पीति में जो ये होटल के सामने है, मतलब ये आप ये देख लो कि बहुत सारी मार्केट है यहाँ पे, इसके पास जो ये बना हुआ है, तो ये वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक पे है इस टाइम पे। मतलब वी आर स्टैंडिंग ऑन द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक राइट नाउ, ये मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ पेट्रोल पम्प के अकॉर्डिंग। तो और किस्मत की बात ये भी देख लो कि हमने यहाँ से डीजल भी भरा लिया है, तो एक यादगारी भी रहेगी कि हाईएस्ट पेट्रोल पम्प जो है पीक पे वहाँ से डीजल भराया था हमने। मैं गाड़ी में आ चुका हूँ, जो अभी आपको दिखाया मैंने वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक पे जो पेट्रोल पंप बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट है बहुत सारे, आज चार पांच हम कवर करने की कोशिश करेंगे बिकॉज कल अर्ली मॉर्निंग के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं रखेंगे क्योंकि सर्किट हमारा कम डेज का था, इसलिए हमें ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है तो हम कवर करेंगे। बट आप आओ तो अपनी आइटनरी खुद बना सकते हो कि आपको कितने दिन चाहिए किस जगह पर। और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में। और अब जो व्लॉग स्टार्ट होगा वो सारा का सारा स्पीति के अंदर का होगा, मतलब स्पीति में जो टूरिस्ट प्लेस हैं सारी वही कवर करेंगे हम। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलते हैं नए व्लॉग में, और भी एडवेंचर होने वाला है और बहुत अमेजिंग अमेजिंग हिस्ट्री आपको जानने को मिलेगी नए व्लॉग में। एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज अब तो मज़ा स्टार्ट हुआ है। हिमालयन सीरो नाम है इनका, इसे हिमालयन सीरो कहते हैं और ये जंगली हैं आप देख सकते हो, तो इसलिए हमने आपको रोक के सोचा दिखा दें एक बार। तो स्नो लेपर्ड भी ज़रूर यहाँ पे होंगे बिकॉज ये हैं, तो क्योंकि स्नो लेपर्ड मोस्टली यही खाते हैं।